अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और वीडियो के लेकर। तो आपको आज दिखाऊंगी मैंने इसका ड्राइंग एंड पिलो कवर फ्लावर का पेंटिंग ट्यूटोरियल, लीफ ट्यूटोरियल सब कुछ दिखा दिया है। और ये दूसरे कलर का फ्लावर आपको दिखाना था, कमेंट में आया है कि मैं तीनों फ्लावर मतलब कलर करके दिखाऊँ। तो आज मैं आपको पिंक कलर वाला फ्लावर दिखाऊँगी और उसका ट्यूटोरियल मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको पिंक वाला फ्लावर बनाना है। और साथ ही मैं आपको कंप्लीट बेडशीट भी दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बेडशीट के बेडशीट पिलो और सब मिलेगा साथ में देखने के लिए। आप पूरा टोटल वीडियो देख सकते हैं इसमें। और एक फ्लावर बाकी है क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती थी, इसके लिए हमने एक फ्लावर को रोक के रखा है। उसका ट्यूटोरियल इस वीडियो के बाद डालूँगी, तो आप ये वीडियोज़ देख लीजिए। ट्यूटोरियल बता देती हूँ, पहले आपको ये पिंक वाला फ्लावर बनाना बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पर्पल वाला फ्लावर बनाना बताऊँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तीन कलर लिया हुआ है, पिंक, रेड और ये वाइट। तीन कलर से हम फ्लावर को बनाएंगे। तो देखिए, अब मैं आपको ब्रश दिखा देती हूँ। ब्रश हमारा है, ब्रश आप 4 नंबर का भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 5 नंबर का, सॉरी, यहाँ पर हमने 4 नंबर का ब्रश लिया हुआ है। आप 5 नंबर का ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये 4 नंबर का फ्लैट ब्रश है और इसी से मैं पूरी पेंटिंग की हूँ फ्रेंड्स। 4 नंबर ब्रश से सारी पेंटिंग की हूँ। तो आप 5 नंबर का ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो हम 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, किसी नंबर से भी पेंटिंग कर सकते हैं। और ज़्यादा पतला ब्रश हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा जो छोटा फ्लावर है तो उसे भरने में हमें दिक्कत ना हो। बड़ा ब्रश रहेगा तो छोटे फ्लावर में बाहर निकल जाएगा और कलर हम भरेंगे तो वो जितनी हमारी ड्राइंग होंगी, ड्राइंग से लाइनिंग से, वो बाहर चला जाता है। इसलिए हम पतले ब्रश का यूज़ करते हैं। और बड़ा ब्रश इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे फ्लावर का मतलब पंखुड़ी वगैरह जो होती है बड़ी होती है तो उसमें जल्दी से कलर फील हो जाता है, तो थोड़ी जल्दी हो जाती है। इसके लिए हम छोटे बड़े ब्रश का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम छोटा बड़ा ब्रश जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वैसा लेते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स से पूछते हैं कौन सा ब्रश ले, कैसे लें। तो अगर आप छोटा फ्लावर बनाते हैं तो छोटे और पतले ब्रश का यूज़ करें, जैसे कम नंबर का। और अगर बड़े फ्लावर बनाते हैं तो उसमें 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं फ्लावर के हिसाब से। ठीक, तो यहाँ पे आपको चलो मैं ये बताती हूँ कि कलर हमने कौन सा लगाया है। देखिए, यहाँ पे हमने पहले तो पिंक कलर फिल किया है। नंबर मैं वीडियो में डाल दूँगी, आप ले लीजिएगा। यहाँ पे हमने पिंक कलर पहले फिल किया और नीचे साइड से हमने रेड कलर लगाया और ऊपर साइड से यहाँ से वाइट कलर लगाया। और वाइट कलर को बिल्कुल कॉर्नर पे लेना है। कॉर्नर पे लेके हम उसको अच्छे से दोनों मतलब रेड कलर, अरे सॉरी, पिंक कलर और वाइट कलर को अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे जब हम पिंक कलर और रेड, पिंक कलर के बाद रेड कलर यूज़ करेंगे तो हमें ब्रश को धुलने की ज़रूरत नहीं है। और दोनों कलर यूज़ करने के बाद भी, जैसे पिंक और रेड दोनों यूज़ करने के बाद भी हमें ब्रश को धुलने की ज़रूरत नहीं है, वाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वाइट कलर फिल करने के बाद हमें क्या करना है, ब्रश को वॉश कर लेना है, उसको साफ़ कर लेना है। फिर से आप पिंक कलर लीजिए, भरिए, फिल करिए, फिर रेड कलर लगाइए, वाइट कलर लगाइए। वाइट के बाद हमेशा हमें ब्रश को वॉश करना है, साफ़ करके दूसरा कलर लगाना है। जब भी वाइट कलर लगेंगे हम अपने ब्रश को वॉश कर लेंगे। और अगर आप बहुत स्लो पेंटिंग करते हैं तो आप मतलब कि धुल सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्लो पेंटिंग करते हैं तो आपके जो ब्रश हैं वो सूख जाएंगे, और सूख जाएंगे तो फिर आपके जो उसके ब्रश के हेयर होते हैं आगे जिससे हम फील करते हैं वो हमारा हार्ड हो जाता है और पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। तो आपके ब्रश लूज़ और स्मूथ रहेंगे तो पेंटिंग काफ़ी अच्छी होगी। देखिए, इस तरह से हमें कॉर्नर पे वाइट कलर लेना है और दोनों कलर को एक दूसरे में अच्छे से फिल करना है। आप चाहें तो आधे दूर तक भी वाइट कलर फिल कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें ज़्यादा पिंक और रेड लगाया है तो आप ज़्यादातर पूरे आधे हाथ का फ़र्क भी कर सकते हैं। आपको वाइट पसंद है तो वाइट पे, जैसे वाइट कलर ज़्यादा पसंद है तो वाइट पूरा, जितना पिंक कलर हमने पूरा भरा उसका थोड़ा और वाइट कलर को और ऊपर से नीचे तक बढ़ा सकते हैं। तो आपको थोड़े दूर तक पिंक भरना है और ऊपर थोड़ा खाली रखना है। जब तक आप कलर वाइट लगाएंगे तो आपका जो कलर है वो अच्छे से मतलब वाइट कलर जो दिखेगा। लेकिन वाइट कलर पे इसलिए वाइट ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि वाइट में वाइट छिप जाता है। अगर आप यही दूसरी कलर की बेडशीट यूज़ करते हैं, जैसे स्काई ब्लू हुआ, पिंक हुआ, पिच कलर हुआ, ये सब कलर हुआ, तो उस पर वाइट कलर आप फिल करेंगे तो आपका दिखेगा।
तो उसमें ज़्यादा वाइट कलर लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पिंक कलर भरने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे साइड से हम रेड कलर का मतलब शेड देंगे, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा हमारा पिंक कलर, और यहाँ पे इस तरह से वाइट कलर लगाएंगे और दोनों कलर को अच्छे से मिक्स करेंगे, पिंक और वाइट को। इस तरह से मिक्स करना है। और ज़रूरी नहीं है कि मैं वाइट कलर पे पेंटिंग करती हूँ तो आप भी वाइट कलर पे पेंटिंग करें। आप जो बॉम्बे डाइन की लाइट कलर जितनी भी बेडशीट आती हैं आप सब पे ये कलर की पेंटिंग करेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे स्काई ब्लू हुआ, पिंक हुआ, लेमन येलो हुआ, हाफ वाइट हुआ, या फिर कोई भी कलर जो लाइट कलर रहता है आप यूज़ करेंगे उस पर ये पेंटिंग बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप वाइट कलर पर ही बनाओ। मेरा तो मजबूरी रहती है मेरी कि मतलब कस्टमर वाइट कलर पे मांगता है तो इसके लिए मुझे वाइट कलर पे बनाना पड़ता है, लेकिन आप अपनी चॉइस से कोई भी बेडशीट ले सकते हो, कोई कलर का भी बेडशीट ले सकते हो, लेकिन डार्क कलर नहीं होना चाहिए। लाइट कलर पे जब ये कलर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर डार्क कलर के बेडशीट पर आप जब भी डार्क कलर की बेडशीट पर पेंटिंग करेंगे तो लाइट कलर लगाएँ, लाइट कलर लगाएँगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि डार्क चीज़ पर लाइट फ्लावर अच्छा लगेगा डार्क कपड़े पर, और लाइट कपड़े पर डार्क फ्लावर अच्छा, डार्क कलर अच्छा लगेगा। इसके लिए इस तरह से डार्क लाइट पेंटिंग बनाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हो गया। और कलर का भी मैं हर वीडियो में बता देती हूँ कि इस तरह से आप वाइट कलर का जब भी शर्ट देंगे तो पहले तो जब आप वाइट कलर नया लाते हैं उसको उसका पैक खोलते हैं तो वो तो काफ़ी लूज़ और अच्छा रहता है कलर, लेकिन थोड़े देर में हमें पेंटिंग करने के बाद हमारा वाइट कलर जो है कि सूखने जैसा दिखता है, कि वो जैसे लग रहा है कि सूख गया है, और फिर हमारे कपड़े पे हम उसको फील करते हैं तो फील ही नहीं होता है। तो उसमें हम थोड़ा सा आपको क्या करना है, मीडियम मिक्स कर लें। अगर आप मीडियम यूज़ करते हैं तो मीडियम मिक्स कर सकते हैं। मैं तो हमेशा पानी का यूज़ करती हूँ, और जो मैं यूज़ करती हूँ वो आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो मैं पानी का यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा पानी, मतलब वाइट कलर में पूरी बॉटल में थोड़ा सा वाइट कलर ऐड कर दें और बॉटल को बंद करके अच्छे से उसको मिक्स कर लें। और उसके बाद जब लिक्विड कलर हमारा दोनों बराबर रहेगा तो शेड भी हमारे बराबर इससे ही आएंगे और अच्छे बनेंगे। और वाइट कलर लगाते टाइम ब्रश को भी वॉश करके दोबारा से उसको मतलब वॉश करके ब्रश को साफ़ करके दोबारा से उस पर फिल करेंगे तो भी आपका कलर अच्छे से फील होगा, क्योंकि ब्रश में थोड़े से पानी आ जाते हैं तो उससे जब हम फिल करते हैं तो पानी में वाइट कलर मिक्स होके अच्छे से जैसा हम फिल करते हैं वैसा फील हो जाता है। तो यही सब थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है और जिससे हमारी पेंटिंग इतनी खूबसूरत होती है। तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप भी अच्छे से अच्छी पेंटिंग बना पाएंगे। जितनी बारीकी से मैं आपको बताती हूँ जो पे मतलब जहाँ कहाँ पे क्या लगाना है, शायद ही कोई YouTube पे होगा, शायद ही ऐसे बताता होगा कि मतलब कहाँ पे क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। मैं जो भी अपना यूज़ करती हूँ, जैसे करती हूँ, सब बताते जाती हूँ, जो जो मुझे याद आता है मैं बता देती हूँ, ताकि आपको पेंटिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। सब YouTube में YouTube की वीडियो में मैं बता के अपलोड करती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो आपको आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आराम से सीख भी पाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, ताकि आपका ही फ़ायदा हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें मैं बीच बीच में बताते रहती हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप पेंटिंग सीखते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, पैसा लगाते हैं, क्लास करते हैं, तो क्लास करने से अच्छा है आप वीडियो देखें, ध्यान से देखें। पैसा लगाने से अच्छा है वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सिर्फ थोड़ी सी देखने की ज़रूरत है, अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को, समझेंगे तो आपको आराम से हर एक चीज़ आ जाएगी। किसी वीडियो में कुछ बताया गया है, किसी वीडियो में कुछ बताया गया है, कहाँ कैसे क्या हुआ है, सब मैं वीडियो में बता देती हूँ। किसी में कुछ भूल जाती हूँ तो दूसरी वीडियो में बता देती हूँ, क्योंकि इंसान को टोटल बात यादें नहीं रहती है, और जब भी मैं अभी वीडियो बनाती हूँ तो मुझे टोटल बात नहीं याद रहती है, जो जो याद आते जाती है मैं आपको मतलब बताते जाती हूँ, बीच बीच में कहीं भी बता देती हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको
अच्छे से समझ में आए, पूरा समझ में आए। और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो डिज़ाइन व्हाट्सएप पे मांगते रहते हैं, तो मैं फ़ोटो वगैरह अपने पास नहीं रखती हूँ, सब वीडियो में जो अपलोड हो गया उसके बाद इंस्टाग्राम पे गया उसके बाद मैं डिलीट कर देती हूँ, कोई फ़ोटो नहीं रखती हूँ, सब यूट्यूब पे अपलोड है। आप यूट्यूब पे देखिए, अगर आपको डिज़ाइन पसंद आती है तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप थोड़ी सी डिज़ाइन मुझे भेजेंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ ये कौन सी, उसकी लिंक भेज दूँगी। कंप्लीट बेडशीट की अगर लिंक रहेगी तो भेज दूँगी, अगर पिल्लो कवर की रहेगी तो आपको बता दिया जाएगा कि पिल्लो कवर की डिज़ाइन है, तो ऐसा है। तो आपको उसमें पेंटिंग किया रहता है, खुद ही दिखता है कैसा है, आपको उसको पूरा देखने की क्या ज़रूरत है। मांगेंगे इसका पूरी पिक दिखाओ, तो फ्लावर तो आप देख ही रहे होंगे कि कैसा बन रहा है, कैसा क्या है डिज़ाइन। अगर आपको पूरी कंप्लीट बेडशीट की पिक चाहिए, मेरे पास पिक नहीं रहती, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, आप लिंक से देख लीजिए। और इसकी जो फर्स्ट पेंटिंग है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ड्राइंग भी है उसमें, येलो कलर का फ्लावर ट्यूटोरियल भी है। और रही बात कलर की कि कलर का क्या नाम है, नंबर क्या है, तो कलर का नाम कैमल फैब्रिका एक्रेलिक कलर है, एक्रेलिक फेविक्रिल एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं आप। और नंबर नाम मैं दोनों ही वीडियो में स्टार्ट में डाल दूँगी, आपका ब्रश नंबर जो है और कलर नंबर जो है, और उसका भी नंबर डाल दूँगी, पेंट का जो कलर है, कलर का जो नंबर रहता है उसका भी नंबर मैं डाल दूँगी। जब मैं पेंटिंग स्टार्ट करूँगी फ्लावर की, उसी टाइम मैं जब जो कलर लगाऊँगी वो कलर का नंबर डाल दूँगी, ताकि आपको आराम से मिल जाए। और इसके बाद मैंने आपको लीफ ट्यूटोरियल भी बताया है। लीफ ट्यूटोरियल की पेंटिंग अगर फर्स्ट वीडियो में थी, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ढूंढते रहते हैं, तो इसके लिए मैंने इसमें भी डाल दिए। अगर आप नहीं देखे हैं लीफ की तो आप इसमें भी देख सकते हैं, और इसमें कंप्लीट बेडशीट की डिज़ाइन भी है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन चाहिए या फिर मेरे यूट्यूब चैनल से आपको कोई भी डिज़ाइन पसंद आती है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको डिज़ाइन मिल जाएगी। और आपको कुछ करना नहीं है, वीडियो में नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टेक्ट करना है, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें, व्हाट्सएप पे कॉल करें, मैसेज करें, लेकिन ऐसे कॉल ना करें, क्योंकि व्हाट्सएप पे कॉल करने से सही रहता है, और लेकिन ऐसे करने पे मेरा कुछ नुकसान हो जाता है, तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे ही कॉन्टेक्ट करें, जब भी करें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें, मिस कॉल या फिर मैसेज जो भी आपको समझ में आए वो कर सकते हैं। और तुरंत रिप्लाई की उम्मीद ना रखें, क्योंकि आप तुरंत मैं काम वाम करते रहती हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो मैं थोड़ा देर में रिप्लाई करती हूँ, तो आप इसके लिए नाराज़ मत होइए। और मैं आपको रिप्लाई, आपका मैसेज देखूंगी तो आपको बाद में रिप्लाई कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। और जो भी बात आपको कहनी है, पूछनी है, आप उसमें मतलब कमेंट करके छोड़ दीजिए। व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ दीजिए, सॉरी, कमेंट में तो आप सिर्फ ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको बेडशीट कंप्लीट बेडशीट की डिज़ाइन कैसी लगी, तो आप ये ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर ना पसंद आई हो तो कोई बात नहीं है। तो इसमें मैंने पूरा रोज़ ही बताया है कि किस तरह से बनेगा। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बीच का पार्ट और ऊपरी हिस्सा पार्ट सब देखने की कोशिश करते हैं, तो मैंने इसके लिए पूरी मतलब पूरे रोज़ की पेंटिंग इसमें अपलोड की है, कहाँ कैसे कलर भरे हैं, कहाँ कैसे वाइट कलर लगाए हैं, ये सब आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक पंखुड़ी करके दिखाई है, ताकि आपको आराम से समझ आए, पूरा समझ आए किस तरह से हम कौन कौन सी पंखुड़ी कैसे कर रहे हैं, कौन सी ऊपर वाली, कौन सी नीचे क्या है। अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, और किस तरह से करना है ये ज़्यादा जानकारी मिलेगी आपको। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो छोटा सा फ्लावर कपड़े वगैरह पे बनाएं, उस पर पेंटिंग थोड़ी थोड़ी करेंगे तो आपका हाथ साफ़ होगा, और आप पेंटिंग करना चाहते तो आराम से कर पाएंगे।
तो आप पहले हाथ साफ़ करने के लिए पहले ऐसे ही कोई रिजेक्ट कपड़ा लीजिए, उस पर बनाइए, उस पर पेंटिंग कीजिए, एक आध छोटे छोटे फ्लावर बनाइए और लीफ बनाइए जिसकी पेंटिंग करिए। आपको खुद अपने आप बनाने आएगा कि किस तरह से बनाना है। एक दो तीन पेंटिंग में नहीं समझ में आएगा, रोज़ रोज़ अगर आप थोड़ी थोड़ी पेंटिंग करते रहेंगे तो भी आपको आ जाएगा। आपको तीन कलर लेना है, रेड ले लीजिए, ग्रीन ले लीजिए, तीन से चार पांच कलर आप ले लेंगे तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा पेंटिंग सीखने में। आप काफ़ी दिन तक उसको ट्राई करेंगे, उसमें प्रैक्टिस काफ़ी दिन तक कर सकते हैं। आप छोटा सा फ्लावर बनाएंगे, एक दो लीफ बना लेंगे, उसको पेंटिंग करेंगे, रोज़ इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो हाथ हैं वो साफ़ हो जाएंगे, काफ़ी फिनिशिंग आ जाएगी आपके हाथ में। प्रैक्टिस करने से बहुत फ़र्क पड़ता है और हमारे काम में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग हो जाती है, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मुझे तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं हमेशा पेंटिंग करते रहती हूँ, इसके लिए मुझे कभी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छा करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए जब आप मेहनत करेंगे रोज़ थोड़ी सी करके, तो आप कहते हैं ना बूंद बूंद से समंदर भरता है, तो आप थोड़ी थोड़ी करेंगे तो आपको ज़्यादा आ जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको कुछ अच्छा और बेहतर मिल सकता है, तो इसके लिए मेहनत करेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। और सीखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा आपको तो बहुत जल्दी आपको पेंटिंग आ जाएगी। अगर ऐसे ऊपरी मन से आप सोचते हैं कि आ जाए सिर्फ देख के, तो नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और चलिए अब मैं आपको लीफ बनाकर दिखा देती हूँ। लीफ भी इसमें देख लीजिए, लीफ में सबसे पहले तो हमने सैप ग्रीन लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वही फ्लैट ब्रश है 4 नंबर का। और यहाँ पे सैप ग्रीन हम पूरी लीफ में फिल करेंगे। लीफ जब भी बनाएं उसकी जो किनारे साइड की ड्रॉइंग है उसको आउटलाइनिंग कर लें, उसके बाद फिल करें, क्योंकि आप बीच से फिल करेंगे तो आपका अगर हाथ इधर उधर चला गया तो आपकी बाहर भी पेंटिंग जा सकती है। इसके लिए आउटलाइनिंग करेंगे तो आपकी लीफ आप बीच में फिल करेंगे तो आराम से कलर फिल हो जाएगा और फिनिशिंग भी आएगी। तो पहले हमने सेप दे लिया लीफ का, उसमें फिर उसके बाद सेप ग्रीन फिल किया। और ये देखिए इस तरह से बीच में ब्लू कलर लगाएंगे, एक तरफ शेड देंगे और दूसरी तरफ ऊपर की तरफ से लगाएंगे, देखिए इस तरह से, और नीचे तरफ शेड देंगे, देखिए। फिर उसके अपोजिट वाइट कलर का शेड लगाएंगे बीच से, जिस तरफ हमने ब्लू कलर का शेड दिया है उसके दूसरी तरफ वाइट कलर का शेड देना है हमें। जैसा कलर का तो हमने आपको बताया ही है, कलर हमारा थिक हो जाता है तो उसमें से थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको मिक्स कर लें, उसके बाद लगाएं, देखिए इस तरह से। ये देखिए, ये इस तरह से वाइट कलर हो गया हमारा। इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप करके अपनी लीफ को, जितनी भी लीफ रहेगी उसको कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहले जब भी हम बेडशीट बनाते हैं, पिलो कवर बनाते हैं, तो मैं लीफ का काम करती हूँ ताकि वो एक तरफ हो जाए, और फिर उसके बाद फ्लावर का काम करती हूँ, जिससे मुझे आसानी भी होती है और ईजी भी लगता है। जैसे अभी थोड़ा सा ग्रीन कलर करें, फिर थोड़ा सा फ्लावर का कलर करें, इस तरह से हमारे कलर भी ख़राब होते हैं, ज़्यादा सूखते हैं और टाइम वेस्ट होता है खोलने बंद करने में। इसके लिए पहले हम लीफ का काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद जो है फ्लावर वाला काम स्टार्ट करते हैं। तो सारे ग्रीन कलर का काम ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम अपने फ्लावर वाला काम स्टार्ट करेंगे। और इसमें तीन कलर का फ्लावर बनाना था इस बेडशीट में, जिनकी ये बेडशीट है उन्होंने कहा था मैं तीन कलर इसमें बनाऊं। तो ज़रूरी नहीं है कि तीन कलर लगा है तो आप तीन ही कलर लगाएं, अगर आपको एक कलर पसंद है तो आप एक कलर में भी बना सकते हैं, कोई एक कलर आप चूज़ कर लो। ज़रूरी नहीं है कि जो कलर मैंने लगाया यही लगाया, आप रेड कलर भी यूज़ कर लो, वॉलेट कलर भी यूज़ कर लो, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं फ्लावर के लिए। तो आप कोई पर्पल कलर की जो भी पेंटिंग आपने देखी है, काफ़ी व्यूज़ आए हैं उस पर और काफ़ी लोगों को पसंद भी आता है कि बहुत अच्छे कलर हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग है, तो पर्पल कलर से बनाएंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी।
रेड कलर से बहुत इंसान को यह है कि रेड कलर भी बहुत पसंद आता है, तो रेड कलर से बनाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और अगर आप स्काई ब्लू भी बनाते हैं तो उस पर ब्लू कलर का फ्लावर बनाएं और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब कलर हमारा कलर से मैच करता है तो और भी ज़्यादा खूबसूरती आती है। वाइट कलर का कॉम्बिनेशन देके आप बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी बेडशीट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए इस तरह से बीच वाला पार्ट है, तीन फ्लावर को मैंने बीच में बनाया है, फिर उसके बाद एक फ्लावर रोज़ का बना के उसको हमने पूरा सर्कल तैयार किया है, देखिए इस तरह से। और ये कॉर्नर डिज़ाइन तैयार की है और देखिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये पिलो कवर है, ये देखिए एक साइड डिज़ाइन है पिलो कवर पे, और देखिए कॉर्नर डिज़ाइन। काफ़ी टाइम लगा इसको बनाने में, काफ़ी मतलब टाइम हो गया था इसको बनाने में। मैंने बहुत सबसे लेट बेडशीट ये तैयार की है क्योंकि इसमें कलर ज़्यादा हैं और इसकी वजह से टाइम लगा बनाने में, और थोड़ी हैवी भी है, भारी भी है ये। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत सी प्यारी सी है। तो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। फिर आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक और नई सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।